आप सोच रहे होंगे कि मैं कपड़ों की टैग क्यों लगा रही हूँ। ये जानने के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ पीपल ड्यूरिंग लॉकडाउन। हाँ, और अगर आपको अच्छा लगे तो फिर मेरे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप किसी भी टाइप से रिलेट करते हो ना तो फिर मेरे को कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आप जाके मेरा वीडियो एंजॉय करें और मैं यहाँ पे कपड़ों की तैर लगाती हूँ। क्या करूँ, ये भी नहीं वो भी नहीं, ये चिकचाक। अरे खांसी ने खराब कर दिया। बेटा क्या तूने अभी खांसी ली? ये अब बेटा भी कोई रिस्क नहीं ले सकते, जल्दी मास्क ले और चल चल ले डॉक्टर के पास चली गई। चल चल चल। अरे मम्मी टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, खांसी तो थी सिर्फ। बेटा अभी कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं, जल्दी मास्क ले और चल जल्दी डॉक्टर के पास जाना है जल्दी। वेलकम मैम, कम सिट। अरे डॉक्टर बताइए इसकी रिपोर्ट में क्या है? ये तो बस टिकटॉक बना रही थी, मैं तो इसका टिकटॉक एंजॉय कर रही थी, पर जैसे खांसी मेरी तो रुक आ गई और मैं सीधा इसे हॉस्पिटल ले आई। अरे मैं तो हैंड सैनिटाइजर लगाना ही भूल गई। मैम आपकी बेटी पॉजिटिव है, बट कोरोना पॉजिटिव नहीं, टिकटॉक वायरस पॉजिटिव है। क्या डॉक्टर इस टिकटॉक वायरस का कोई इलाज है क्या? हाँ मैम इसका एक इलाज है, जो है आपको अपनी बेटी का टिकटॉक अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर नहीं, मैं अपना टिकटॉक नहीं डिलीट करूंगी, नहीं नहीं नहीं। मम्मी मैंने आपके लिए ना वनीला केक बनाया है, टेस्ट करके बताइए कैसा है। हाँ हाँ बेटा जरूर तुम्हें टेस्ट करके बताती हूँ। बेटा तुम तो कहती तुमने वनीला केक बनाया है, ये तो चॉकलेट केक ज्यादा लग रहा है। माँ वो ना मैं अपनी दोस्त से ना फोन पे बात कर रही थी तो मैं भूल ही गई थी कि मैंने केक रखा है उनमें, तो वो ना थोड़ा सा ना जल गया था। कोई नहीं बेटा मैं तुम्हें खा के बताती हूँ कैसा है। बेटा बहुत अच्छा, शाबाश, चल मैं फिर कभी मत जा रहा कुछ बनाने। थैंक यू माँ, पर किचन में ना जाऊँ? मेरे को भी नहीं जाना, कोई फायदा ही नहीं है जाने का। क्या होता ये? बेटा इन कपड़ों की ना तह लगा दे, तब तक मैं ना बाकी काम कर लूंगी। क्या कपड़ों की तह लगानी है और वो भी इतने सारे? मम्मी मेरे को तो एक दिन लग जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। जब तक सीखेगी नहीं तब तक करेगी कैसे? चल तह लगाएं कपड़ों की। अच्छा ठीक है। सॉरी मम्मी, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो तह लगा रही हूँ, और कोई काम है वो भी कर दूंगी मैं, कोई और काम।
हाँ हाँ और काम तो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनना। वॉशिंग मशीन में जो गीले कपड़े हैं उन्हें सुखा देना, और जो तुम कपड़ों की तह लगा रही हो ना उन्हें उनकी जगह पे रख देना, और धुले हुए बर्तनों को भी उनकी जगह पे रख देना। और हाँ, अब मैं उम्मीद रखती हूँ कि तुम सारे के सारे काम कर दो। इतने सारे काम। बेटा बेटा चलो, जब उठ जाओगी ना तब सारे के सारे काम कर देना, बाकी काम जाके मैं तुम्हारे भाई को बता देती हूँ। आज के सेशन में सोच रही हूँ कि मैं अपने मोटूराम भाई को भी बुला लूँ। लॉकडाउन में तो वो लेटे लेटे इतना मोटा हो गया है ना, हाथी से भी ज्यादा। बुलाना ही पड़ेगा उसे तो। चलो चलती हूँ। ए मोटू, मेरे साथ ना योगा कर चल के। जा यहाँ से, क्या कर रही है यहाँ पे, जा। चली तो मैं जाऊंगी, पर बदले में मम्मी पापा को तेरी शिकायत बता के जाऊंगी। शिकायत से क्या मतलब है तेरा? देखो याद है जब तू प्रिंसिपल के ऑफिस में गया था, वैसे क्यों गया था याद है? अरे तू तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक ही कर रहा था। चल क्या काम है पता? आ गया ना ट्रैक पे। चल मेरे साथ। ऐसा है, तेरे से ज्यादा अच्छी एक्टिंग मैं करती हूँ, तो फिर कोशिश भी मत कर मेरी एक्टिंग करने की। मैं क्या कर रहा हूँ कुछ? चल योगा करेंगे हम। तेरे भगाने का तो मेरे पास एकदम बढ़िया प्लान है, बढ़िया प्लान। जीत विद मी। तब कर रहे हो ना? Round successful. क्या क्या सपने देखे थे कि 12th क्लास में मनाली की ट्रिप पे जाऊंगी, फेयरवेल पे जाऊंगी सुंदर सी साड़ी पहन के, पर वो सब एक सपना रह गया। क्या मैं अपना फेयरवेल ऑनलाइन करूंगी? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी बात मेरे को सोचनी नहीं चाहिए। भूल जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ।